हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एक कुर्ती शेयर करूंगी जो मैंने मिंत्रा से परचेस करी है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं उसी कुर्ती के मैचिंग का जो मेकअप है इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये जो मेकअप है और ये जो कुर्ती है वो मैंने दिवाली ओकेज़न के लिए परचेस करी है, और इस कुर्ती का लिंक और मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं और आप लोग भी ऐसा मेकअप जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ पे कंटिन्यू बने रहिए कि मैंने ये मेकअप लुक जो है इस कुर्ती के साथ में कैसे रेडी किया है। कुर्ते का प्राइस जो है मैंने 623 रुपीज़ पे किया है, और इसका जो मटेरियल है वो पॉलिस्टर है। आई थिंक इसका मटेरियल जो है वो इतना अच्छा है कि वो 2 ईयर तो इजीली चल जाएगा। और इस ऑफ शोल्डर पर जो है इस टाइप का ये वर्क दिया हुआ है ऑफ शोल्डर कुर्ती पर पूरे पे, और इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। वैसे मैंने आपको पहन के दिखाया तो आपको समझ में आ गया होगा, ये लॉन्ग कुर्ता है और पार्टी वेयर लुक में भी आप पहन सकते हो। दिवाली के ओकेज़न पे 2 to 3 फंक्शन होते हैं, तो आप उस फंक्शन में इस कुर्ते को पहन सकते हो, और इसके साथ में जो मैंने आप लोगों को मेकअप दिखाया है वो आप रेडी कर सकते हो। इसके साथ में बहुत ही इजी और क्विक मेकअप है, कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कुर्ता, और इसका जो एक्चुअल प्राइस था गाइस वो है 1800, जो कि 623 रुपीज़ में मुझे ऑफ के साथ में मिला है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी इसे परचेस कर सकते हो। इस कुर्ते का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस लिंक पर जाके इसे वहां से मिंत्रा से परचेस कर सकते हैं। अब मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं अपने फेस पर सिरम अप्लाई कर रही हूँ, बायोटिक का एजलेस विजिबल सिरम। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र और सिरम बहुत अच्छे हैं फेस के लिए, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं दोनों प्रोडक्ट। मैं इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद में मैं लिप बाम अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पर, उनको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे कुर्की का ये प्राइमर, ये बहुत अच्छा लाइट वेट प्राइमर है, ये पोर्स को अच्छे से फिल करता है और स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, और ये अफोर्डेबल प्राइमर भी है। मैं इसे अपने स्किन में अच्छे से पुश कर लूँगी। उसके बाद मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ करूँगी। इसके अंदर जो मेरा शेड है वो 310 सन बेज है। मैं अपने बैकएंड पे लेकर अपने फेस पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, ये कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे से सूट होता है। अगर आप लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन मेरी तरह है तो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने फेस पर यूज करूंगी कंसीलर, एले गर्ल कंसीलर यूज कर रही हूँ। इस पे मेरा जो शेड है वो प्योर बेज है। मैं अपने फेस पर जो है कंसीलर अप्लाई कर लूंगी, और आई शेडो बेस के लिए एज ए कंसीलर ही यूज करूंगी। इसे अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करते हुए अच्छे से अपनी स्किन पर सेट कर लूंगी। कंसीलर और फाउंडेशन सेट करने के बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट आई शेडो पैलेट। इसमें जो शेड है वो फ्रेंच रोज़ है। इसमें से मैं लाइट ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ, और अपनी आउटर वी शेप पर आइज़ की आउटर वी शेप पर इसे सेट कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। अपनी दोनों आइज़ पर इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद में मैं ये लाइट ऑरेंज कलर पिक करूंगी, और इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए सेम ब्रश
से अच्छे से ब्लेंड करते हुए अपनी आईलिड पर अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद में मैं सेम पैलेट में से थोड़ा डार्क ऑरेंज कलर लूँगी और इसे अपनी आईज़ पर अच्छे से सेट कर लूँगी। इसे इस आई शेडो को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी आईज़ पर ताकि कोई हार्श लाइन नहीं रहे और आई शेडो का लुक जो है बहुत अच्छे से दिखे। आई शेडो अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट आई लाइनर। ये बहुत ही अच्छा लिक्विड आई लाइनर है। इसकी हेल्प से मैं अपनी दोनों आईज़ पर जो है आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद में मैं यूज़ करूँगी मेबलिन कोलोसल काजल और अपनी आईज़ की लोअर लैश लाइन पर मैं इस काजल को अप्लाई कर लूँगी। लाइट हैंड से मुझे इस काजल को यूज़ करना है, मुझे कोई डार्क बोल्ड काजल अप्लाई नहीं करना है, एकदम लाइट काजल जो है मुझे अप्लाई करना है। काजल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अगेन अपने फेस पर जो है फाउंडेशन को सेट करने के लिए इस पाउडर को अप्लाई कर लूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर को। उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल। मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ड्यू शॉप आईब्रो पेंसिल। उसमें मैं स्मजर की हेल्प से जो है अपने आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर गैप को फिल कर लूँगी। उसके बाद में मैं एक पुली ब्रश की हेल्प से जो है अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी मेबलिन जीजी हैंडेड फाइबर मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा फाइबर मस्कारा है। मैं अपनी लैश को जो हाई वॉल्यूम दे दूँगी इस मस्कारा की हेल्प से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर कॉन्टोर पैलेट। इसमें मैं कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से जो है अपनी जॉ लाइन की, अपने चीक बोन की जो है कॉन्टोरिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट से जो है हाइलाइटर और ब्लश यूज़ करके अपने फेस को हाइलाइट कर लूँगी और ब्रश भी अप्लाई कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। अपने फोरहेड की, नोज़ की, सबकी हाइलाइटिंग कर लूँगी। उसके बाद में मैं सेम पैलेट से ही मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। इसका जो ब्लश है वो थोड़ा शिमर ब्लश है तो पार्टी लुक के लिए, फंक्शनल लुक के लिए बहुत अच्छा लुक देता है। अब मैं अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग करने के लिए एक पतला वाला कॉन्टोर ब्रश लूँगी और अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग भी जो है सेम पैलेट से पाउडर कॉन्टोरिंग कर लूँगी नोज़ की। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लिप ग्रेडियंट। इसमें जो मेरा कलर है वो फ्यूशिया है, बहुत ही अच्छा पिंकी, डार्क पिंकी कलर है, फ्यूशिया कलर है, बहुत अच्छा लुक देता है ऑरेंज कलर के कुर्ते के लिए या कोई भी आपके पास ऑरेंज कलर की ड्रेस हो उसके लिए। तो मैं इसे अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक।
सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर मेरे वीडियो देख सकते हैं और फेसबुक से भी आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।